नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिजाब विवाद में एक हिंदू की हत्या, बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की मौत पर गरमाई सियासत, धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज बंद। चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना, डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ की अवैध निकासी का था मामला। ममता बनर्जी के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को टीएमसी ने दिखाया बाहर का रास्ता, 150 से अधिक उम्मीदवारों को किया निलंबित। सोनिया गांधी ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना, बोली महंगाई की मार से महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। कंगाल पाकिस्तान की अकड़ पड़ी ढीली, आई भारत की याद, कहा पड़ोसी देश के साथ व्यापार समय की जरूरत और पाकिस्तान के लिए फायदा। सबसे पहले बात कर्नाटक में हत्या पर बवाल पर। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब स्थिति हिंसा तक पहुंच गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक 26 साल के युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम हर्षा था और वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था। राज्य के गृह मंत्री अरागा जनेन्द्र ने जिले के स्कूल एवं कॉलेजों को अगले 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 4 से 5 युवकों ने हर्षा की हत्या की है। अब तक इस घटना के पीछे किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। फिलहाल शिवमोगा जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में है। डॉक्टर साहब, हिजाब विवाद के चलते हत्याएं हो रही हैं, क्यों और क्यों हुआ है ये? देखिए, ये जो वहां के एमएलए और वहां के पंचायती राज और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो स्थानीय एमएलए हैं, केएम ऐश्वर्या, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके पीछे मुस्लिम समुदाय के गुंडों का हाथ है। और जो सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि चूँकि हर्षा, ये जो जब से ये हिजाब का जो विवाद आया उसको लेकर के उसने फेसबुक पे कुछ पोस्ट लिखना शुरू किया, उसके बाद से वहाँ पे एक माहौल बना हुआ था। कल रात वो कहीं से खा के लौट रहा था तो एक जगह पे एक कार आती है, 4 लोग निकलते हैं और उसकी हत्या करके फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और जब उसको मारा जा रहा था तो हर्षा की सिस्टर का बयान है कि वो मरते मरते जय श्री राम के नारे लगा रहा था। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा मसला जो बना है वो हिजाब को लेकर के है। और ये बार बार इस बात को कैपिटल टीवी में हम कहते चले आ रहे हैं कि PFI हिंदुस्तान के अंदर हिंसा भड़काना चाहता है। सरकार जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को बैन के साथ साथ इसके जितने सारे प्रमुख लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, इनको जेल में नहीं भेजा गया, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है हिजाब के नाम पे, ये आउटराइटली ये वहाबिज्म है, रेडिकलाइजेशन है। और हिंदुस्तान में ऐसे रेडिकलाइजेशन और इस तरह के ब्रांड ऑफ इस्लाम की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर लालू यादव के चारा घोटाले की। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व CM और RJD सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। रांची में CBI ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का ऐलान किया है। फिलहाल लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। लालू के साथ साथ 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था और सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसीलिए लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था और लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। CBI की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ था, यानी सब उनकी जानकारी में था। डॉक्टर साहब, 5 साल की सजा हुई है, लालू यादव को जेल मिलेगी या जमानत हो सकती है? देखिए, ये चारा घोटाला हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस घोटालों में से है, जिसमें जानवरों के चारे को नेताओं ने खा लिया, डकार गए और पैसा जो है वो अपनी जेबों में लेकर के गायब हो गए। लेकिन ये केस काफ़ी लंबा चला, हिंदुस्तान में कानूनी प्रक्रिया का
जो अवधि है वो इतना लंबा है कि वो तो घोटाले में फंसने के बाद भी मंत्री रहे। अब आप ये समझिए कि घोटाला करने के बाद जो शख्स इस देश में प्रधानमंत्री कौन होगा वो तय करने लग गया, खुद रेल मंत्री भी बना, पता नहीं कितना ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि राजनीति के शिखर तक जा पहुंचा, सोनिया गांधी का खासम खास हो गया, और अब मालूम चल रहा है कि ये सब उसने उस दौरान किया जिस दौरान इस पाप की सुनवाई चल रही थी जिसमें ये दोषी पाया गया। तो कहना गलत नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान में मंत्रियों बना देते हैं चोर उचक्कों को, घोटालेबाजों को, स्कैमस्टर्स को। अब कुल जो सजा इनकी हो गई है वो 27.5 साल की हो गई है, इनका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हिंदुस्तान की जो लुंज पुंज सिस्टम है, जिस तरीके से न्याय की खरीद बिक्री बाजार में होती है, जिस तरीके से अदालत को बकायदा ट्विस्ट कर दिया जाता है, अब ये रुके हुए कहाँ, आरएम्स के गेस्ट हाउस में, मैंने मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में आप रुके हुए हो, क्यों रुके हुए हो, जेल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति सेकुलर सरकार है। इसलिए लालू यादव के ऊपर रियायत, भाई उनकी उम्र हो गई है, उनका तबीयत ठीक नहीं होता, तो भाई जितने इतने उम्र के लोग हैं जेलों के अंदर में सबको रिलीज करो। भाई लालू यादव में क्या स्पेशलिटी है, जिस शख्स ने एक पूरे राज्य की के लोगों के जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया, आप उसके लिए रियायत, और उसके लिए और बेशर्मी के साथ लोग बोल रहे हैं कि अभी तो सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने किया है, आगे हम हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब तक ये कानूनी दांव पेच, आंख मिचौली, जमानत मिला जमानत नहीं मिला, अभी कई सारे केसेस और भी बाकी जिसके ऊपर फैसला आना बाकी है। लालू यादव जैसे लोग हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कलंक थे, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति भ्रष्टाचार के आधार पर चली और एक पूरे राज्य को, बिहार जैसे राज्य को पिछड़ा बनाने का पूरा क्रेडिट इनको जाता है। ये जो माइग्रेट करते हैं बिहार से लोग, बिहार में इन लोगों ने कौन सा इसको कह सकते हैं पाप इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन अब एक एक करके सजा मिल रही है, तो कम से कम जो दूसरे भ्रष्टाचारी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे कहीं किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य के मंत्री हो, उनको ये सीख लेनी चाहिए कि अभी आपके पास सत्ता है, पावर है, शक्ति है, समर्थन है, आप कर तो लोगे लेकिन बाद में भुगतना भी पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर टीएमसी के सख्त एक्शन की। पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को 108 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। इस चुनाव को लेकर टीएमसी ने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया है और 150 से अधिक पार्टी के बागी प्रत्याशियों को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि जो ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी ने 150 से ज्यादा प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, क्यों? देखिए, टीएमसी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। बंगाल से लोग बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के हाथ में अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहा, और जब इस तरह के डिस्परेट एक्शन्स आप लेते हो, कभी आप अपनी कमेटी को डिसॉल्व करते हो, फिर से गठन करते हो, कहीं कुछ करते हो, कहीं कुछ करते हो, आपस में ही अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की लड़ाई की खबरें आती हैं, तो इसका इम्पैक्ट होता है। इसका इम्पैक्ट यही हुआ कि वहाँ पर जो लोकल निकाय के जो चुनाव होने वाले थे उसमें टीएमसी के लोगों ने अपने मन से ही डाल दिया जी। अब डाल दिया तो उनको कहा गया था भाई 48 घंटे में सब वापस ले लो, कुछ लोग वापस लिए, कुछ लोगों ने वापस नहीं लिया। अब क्या किया जाए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको स्थानीय लीडर्स का उसको बकायदा समर्थन मिला हुआ था, तो इस कंफ्यूजन में ममता बनर्जी ने सोचा कि अब एक हंटर चलाना जरूरी है। वो हंटर क्यों चलाना जरूरी है, पीके नहीं रहे, टीएमसी के साथ नहीं रहे, और पीके को एक अच्छा लेसन मिला है कि ये जो ममता बनर्जी के सामने वो प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना बेच रहा था, वो सपना तो चकनाचूर हुआ ही, अब गालियों खाने का जो है वो मौसम शुरू हुआ है। जिस हिसाब से टीएमसी के लोग प्रशांत किशोर को गालियाँ दे रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए, वो
सही है इन अ सेंस कि यही काम करना तो आप चाहते थे, अब आपकी पोल पट्टी वहाँ पे खुल गई है तो दूसरा दुकान खोजने की जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। खबर आई कि वो नीतीश कुमार से हाल में मिले हैं, अब देखिए क्या होता है। लेकिन टीएमसी में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, एवरीथिंग इज़ नॉट सेफ एंड साउंड इन टीएमसी। कई सारे जगहों पे टीएमसी में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, जिससे ममता बनर्जी बिल्कुल अपनी लीडरशिप को थोपने और अपने लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए इस तरह का डेस्परेट एक्शंस ले रही है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर सोनिया गांधी के तंज पर। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महासमर में वर्चुअल रैली कर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उतरी। उन्होंने अपने वर्चुअल संबोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में नौजवान घर में बैठने को मजबूर हो गए हैं। आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली है लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी को अचानक से महंगाई की बात क्यों सूझ रही है, क्यों याद आ रही है महंगाई? वो एक गाना है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। रायबरेली में चुनाव होने वाले हैं, अमेठी में चुनाव होने वाला है, सुल्तानपुर में चुनाव होने वाला है। ये गांधी परिवार का बैस्टियन हुआ करता था। इनको खबर मिली है कि वहां पे सब कुछ तो दोनों इनके होनहार बच्चों ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। वहाँ पे अमेठी में, रायबरेली में शायद कांग्रेस पार्टी इस बार एक भी सीट ना जीत पाए, इस तरह की खबरें आम हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब ये खबर मिली कि भाई वहाँ पे अखिलेश यादव भी पहुँचने वाले हैं, आज हेलीकॉप्टर से वहाँ पे रायबरेली पहुँचे प्रचार प्रसार के लिए, भागी भागी प्रियंका वाड्रा भी वहाँ पहुँचे कि भाई अपने कम से कम जो आपका जो ओरिजिनल गढ़ रहा है उस गढ़ को, उस किले को ढहने से बचाया जाए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी अपनी साख खत्म कर चुकी है, और अगर इन तीनों जगहों पे कांग्रेस का नाम निशान मिट जाता है, गांधी परिवार के लिए पूरा हिंदुस्तान में कोई भी सुरक्षित सीट नहीं बचेगा। वायनाड जाकर के राहुल गांधी ने, जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, PFI और तमाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हाथ मिलाकर के चुनाव तो जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन अगर उनको केंद्र में सत्ता में रहना है तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी को उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में अपने गढ़ को जो है मजबूत करना पड़ेगा, अपने किले को मजबूत करना पड़ेगा। चुनाव के ठीक 2 दिन पहले सोनिया गांधी एक एड्रेस करती हैं, और जो एड्रेस होता है वो वही पुराना घिसा पिटा ओल्ड रिकॉर्ड जिसे आपने रिप्ले कर दिया, कोई सुनना नहीं चाह रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही हाथों से कांग्रेस पार्टी का कब्र भी खोदा है यूपी में, और 10 तारीख को ये लोग खुद अपने कर कमलों से कांग्रेस पार्टी को दफन भी करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान के बदले बदले मिजाज की कर लेते हैं। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत से बैर केवल उसकी परेशानियां ही बढ़ाएगा, और यही वजह है कि नई दिल्ली से सभी रिश्ते तोड़ने का दंभ भरने वाला पाकिस्तान अब दोनों देशों के बीच व्यापार पर जोर दे रहा है। वाणिज्य और निवेश पर प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद का कहना है कि भारत के साथ व्यापार समय की जरूरत है और ये भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक रहा है, किस बात का डर है पाकिस्तान? देखिए, कुछ दिन पहले आपने एक खबर दी थी कि किस हिसाब से पाकिस्तान से सऊदी अरब ने $300 मिलियन वापस मांगे हैं जो कर्ज उसने दिए थे। उस दिन हमने बताया था कि किस हिसाब से UAE हो या फिर सऊदी अरब हो, तमाम जो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हिंदुस्तान का रिश्ता बेहतर होता चला जा रहा है, इकोनॉमिक टाइज हमारे बेहतर होते चले जा रहे हैं। 2 दिन पहले खबर आई कि सोना और पेट्रोलियम के ऊपर हम लोग फ्री ट्रेड जो है वो हमने साइन किया है UAE के साथ, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उनके ऊपर दबाव इस बात के लिए भी पड़ता है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हम मुस्लिम ममालिक हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाइए, लेकिन जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इकॉनमी जो अब तक पाकिस्तान को पालते पोसते आई है, वो ये कह रही है उनसे कि आपसे रिश्ते तभी सुधरेंगे
आप हमारे मदद के लायक तभी बनेंगे जब आप हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करें। लेकिन इधर तो प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, यहाँ तो मनमोहन सिंह है नहीं, सोनिया गांधी है नहीं, आए के गुजराल टाइप के प्रधानमंत्री है नहीं कि मुस्लिम वोट के चक्कर में आप पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। भाई क्या हुआ भाई, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, हमने इकोनॉमिक टाइज बंद कर दिए। कैसे बंद किया हमने? हमने सीधे जो ड्यूटीज़ जो होती है वो 200% हाइक कर दिया। अब कर लो धंधा, अब कर लो बिजनेस। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया, दवाई नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे उनकी जो इंडस्ट्री जो कपड़े की है वो कच्चा माल पूरा हिंदुस्तान से ज़्यादा था, सब बंद हो गया, सारी चीज़ें वो खत्म हो गई, पूरा का पूरा वो नष्ट हो गई उसकी इकॉनमी। लेकिन वहाँ पे राजनीति प्रबल है तो इसलिए वो कश्मीर का डर दिखा करके ये आप कर रहे थे। अभी सबसे बुरा जो लगा है वो यूएई का डेलीगेशन था और वहाँ के आर्मी चीफ, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ नरवणे साहब से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, फोटो ऑफ हो रहा है, फाइलों का आदान प्रदान हो रहा है और पीछे जो तस्वीर जो हिंदुस्तान के ऑफिशियल्स ने लगाए वो पाकिस्तान को जो हम लोगों ने सरेंडर करवाया था उसका था। हिंदुस्तान के लोगों ने, मीडिया ने अभी यूपी इलेक्शन के चक्कर में उसे हाईलाइट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में लोग बिलबिला उठे हैं कि आप एक मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान का कभी सबसे अच्छा मुल्क दोस्त हुआ करता था उसके साथ आप करार कर रहे हैं और पीछे पाकिस्तान का सबसे काला अध्याय दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड में। ये बात समझ लीजिए कि मॉडर्न वर्ल्ड में कभी भी जितने भी युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप टेबल पर बिठा करके जो आर्मी चीफ है उसको सरेंडर करवाते हो, उसका बैज निकालते हो, उसकी टोपी निकलवाते हो, उसका बेल्ट निकलवाते हो और उसके वेपन को रखवाते हो। उसी तरीके से आप एक लाइन में खड़ा करके तमाम पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स थे सबके सामने हथियार डालो तो बेल्ट डालो, टोपी डालो, सबका वीडियो बना करके रखो। ये नहीं होता, ये हिंदुस्तान ने किया है और ये उनको बहुत खलता है कि ये प्रॉपर सरेंडर जो हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब उनको समझ में आ रहा है कि एक तो हिंदुस्तान के साथ बराबरी करते 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 पाकिस्तान तबाह हो गया और अब ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है जो आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देता। आप अपने देश को संभालो या मोदी सरकार के ऑन स्लॉट को आप झेलो, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए इमरान खान की सरकार, वहाँ की आर्मी, वहाँ के सारे लोगों ने अब हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन इस तरह की अपील के बाद हिंदुस्तान का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये दलाल गैंग पत्रकारों का, अब वो ये कहना शुरू कर देगा कि पाकिस्तान से रिश्ते बना लो, अब तो वो सरेंडर कर रहा है, सब कुछ तैयार, सब कुछ के लिए वो तैयार है, तो हिंदुस्तान का रुख थोड़ा नरम होना चाहिए। इस छलावे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सांप मूर्छित हो जाए, सुस्त पड़ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका विष खत्म हो गया है। ये पाकिस्तान वैसा ही नाग है। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।